मतलब दिए आशीर्वाद आशीर्वाद गए अपना मतलब उनका अथी करने को शिष्टाचार मुलाकात किए नहीं कहे अरे आशीर्वाद दिए और क्या भाई। नमस्कार मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मोकामा विधानसभा में नीलम देवी की जबरदस्त जीत हुई है, आरजेडी की जीत हुई है और इस वक्त जो नीलम देवी हैं सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात जो है वो कर रही हैं और देखिए मुलाकात कर नीलम देवी की जो गाड़ी है वो सीएम हाउस से निकल रही है। हम आपको एक्सक्लूसिव विजुअल्स दिखा रहे हैं जहां पर नीलम देवी की गाड़ी जो है वो सीएम हाउस से निकल रही है और सीएम नीतीश कुमार से नीलम देवी ने मुलाकात की है। और देखिए बड़ा दिन है नीलम देवी के लिए, बड़ी जीत हुई है और हम नीलम देवी से बात करेंगे। मैडम 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 थोड़ा सा बात कर लीजिए, एक थोड़ा सा क्या बात हुई सीएम? कुछ नहीं मतलब दिए आशीर्वाद आशीर्वाद गए अपना मतलब उनका अथी करने को शिष्टाचार मुलाकात किए नहीं कहे अरे आशीर्वाद दिए और क्या भाई। कार्तिकेय सिंह जो कि उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आशीर्वाद दिया है हमें और हालांकि नीलम देवी उन्होंने कुछ नहीं कहा, थकान उनके चेहरे पर साफ तौर पर झलक रही थी, उन्होंने बस हाथ जोड़कर प्रणाम किया और ये बस इशारा किया कि वो जो है अभी कुछ नहीं बोलेंगी। बड़ा दिन था आज नीलम देवी के लिए, बिहार में उपचुनाव के नतीजे आए, एक सीट बीजेपी के हाथ में गई यानी कि गोपालगंज और मोकामा सीट आरजेडी की थी और आरजेडी की ही रहेगी। अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने बड़ी जीत हासिल की है मोकामा विधानसभा सीट में। जीत के बाद सर्टिफिकेट लेने पहुंची और सर्टिफिकेट लेने के बाद तेजस्वी यादव से नीलम देवी ने मुलाकात की और तेजस्वी यादव से मुलाकात करने के बाद नीलम देवी जो हैं वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी आवास यानी कि एक अन्य मार्ग पर पहुंची। ये जो विजुअल्स स्क्रीन पर देख रहे हैं वो उस वक्त की है जब नीलम देवी जो हैं वो अंदर सीएम हाउस के अंदर जा रही थी। तकरीबन नीलम देवी जो हैं वो सीएम हाउस में 40 मिनट तक रुकती हैं और 40 मिनट के बाद नीलम देवी जो हैं वो एक अन्य मार्ग से निकलती हैं बाहर। और हालांकि नीलम देवी कुछ बोलती तो नहीं है, आज है थकान उनके चेहरे पर थी लेकिन जीत की खुशी और भी उनके चेहरे पर बखूबी दिख रही थी। कार्तिक मास्टर आरजेडी के एमएलसी भी साथ में थे, जब हमने उनसे बात किया कि क्या बात हुई बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से तो उनका साफ तौर पर कहना था कि जीत के बाद हम सीएम नीतीश कुमार का आशीर्वाद लेने आए थे, उन्होंने हमें आशीर्वाद भी दिया। तो कुल मिला कहें कि बड़ी जीत आरजेडी की मोकामा में हुई, बिहार उपचुनाव के नतीजे का मजमून समझे तो यह रहा, जो सीटें जिसके पास थी वो सीटें जो है उनके पास रह गई यानी कि आरजेडी जो है वो मोकामा जीत गई, बीजेपी जो है वो गोपालगंज जीत गई। बड़ा सवाल अब ये है कि इस उपचुनाव का इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है। बीजेपी हालांकि मोकामा में हार को लेकर ये कह रही है कि ये जीत जो है वो महागठबंधन की नहीं हुई है, ये जीत जो है वो अनंत सिंह की हुई है यानी कि अनंत सिंह का लोहा जो है वो बीजेपी वाले भी मान रहे हैं। और अब जीत के बाद नीलम देवी ने आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है और दोनों की मुलाकात जो है तकरीबन 40 मिनट तक हुई, दोनों के बीच में बातें हुई। नीलम देवी हालांकि जब नीतीश कुमार से मिलकर निकल रही थी तो मीडिया से उन्होंने कोई बात नहीं की, इशारा किया कि अभी कुछ नहीं बोलेंगी, चेहरे पर थकान थी लेकिन साथ ही खुशी भी दिख रही थी और दिखे भी क्यों ना, क्योंकि जीत जो है उनकी बड़ी हुई है। अनंत सिंह का जो किला था सियासी वो किला जो है वो बच गया। और फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ 24।